अंदर खाना पीने नहीं है ना सर, बातें लेके आओ यहाँ से। इस गेट को लॉक कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, आइडिया नहीं है क्यों लॉक किया है। तो यहाँ से हम जा नहीं सकते। उस साइड से पार्क है, वहाँ से जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। यहाँ से आपको पानी सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए मिलेगा, बॉटल्स वगैरह कुछ भी भरने के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा। गाइज हम लोग यहाँ पर छाँव में बैठने के लिए जगह देख रहे हैं, बट नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक जगह मिली लेकिन यहाँ पर भी धूप ही आ रही है। सो चलो और थोड़ा आगे जाके देखते हैं, कहीं तो ठिकाना मिलेगा तो बैठ जाएंगे, कुछ तो खा लेंगे। क्योंकि गंडीपेट में आपको कुछ खाने के लिए कोई शॉप वगैरह नहीं मिलेगी, ना ही कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, कुछ भी आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको घर से ही लाना पड़ेगा, वरना आपको भूखे ही यहाँ पर टहल के जाना पड़ेगा। सो चलो और थोड़ा आगे जाके देखते हैं यार। यहाँ के लोग
लोगों ने कहा था कि वहाँ जाना मना है, लेकिन मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई होती है, बदमाशी करके वो गया और वापस आ गया। उसके पीछे एक लड़का गया भी था उसको रोकने के लिए, बट वो उस लड़के की नहीं सुना। वो लड़का उसको पकड़ने के लिए जा रहा था, तो वो वापस उसी पाइप में से जाके फिर हमारे पास भाग के आ गया था। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर मस्ती कर ली हमने, और इसके बाद मैं गई एक छोटे से पहाड़ पे। डर रही थी चढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी जूती स्लिप ना हो जाए और गिर जाऊंगी तो बेइज्जती ना हो जाए। तो क्यों बेइज्जती होगी यार, जानबूझ के हम थोड़ी ना गिरते हैं, हम तो गलती से गिरते हैं, कोई भी हो गलती से गिरता है। हंसने वाले हंसे, ना हंसने वाले ना हंसे, हमें क्या करना है, चलो छोड़। इसके बाद हमें लग गई भूख, थोड़ा बहुत फिरने के बाद हमें लग गई भूख। खाने के लिए मैंने बनाया था टमाटर की चटनी और दाल और चावल। ठीक है, दाल तो मैं नहीं खा सकती, मुझे दाल से बहुत सख्त परहेज है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए थोड़ी सी चटनी बना ली थी और सभी ने तो खाई चटनी। तो यहाँ पर मैंने सादे चावल और चटनी खा ली। इसके बाद मैं बैठी खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मेरा तो इरादा था कि रोटी टिफ़िन में रोटी बांध के ले जाऊँ, लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं था। सुबह सुबह के टाइम पे हम लोग निकले थे, यहाँ आने तक दोपहर हो चुकी थी, और सुबह सुबह जल्दी उठ के घर का काम करके फिर रेडी होके घर से निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और वैसे तो काम वाले आंटी भी अभी गांव से नहीं आए हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी पे है, एक महीने से वो छुट्टी पे है। जब घर में ज़्यादा काम होता है तभी हमारे आंटी को छुट्टी लेना होता है। तो चलो कोई बात नहीं, उनका फ़ोन आया था तो मैंने भी उनसे कहा था कि आप साल भर में एक बार अपने गांव जाते हो तो अच्छे से छुट्टी मना के आओ, अच्छे से सबसे मिल के आओ, एक महीना छुट्टी लो, मैंने ही कहा था। ठीक है, वो भी इंजॉय करे और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे थोड़े थोड़े दिन के बाद ना आंटी मुझे फ़ोन करती रहती है, मेरी तबीयत के बारे में मुझसे पूछती हैं और बोलती रहती है कि मैं इस टाइम पर मुझे इतना टाइम लगेगा आने में, उतना टाइम लगेगा आने में। तो इसीलिए, और वैसे उनके गांव में शादी भी थी, इसलिए मैंने उनसे बोला था कि आंटी अब जा रहे हो तो अच्छी खासी छुट्टी लेके आना, यहाँ की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूँगी। तो इसीलिए मुझसे जैसे जैसे एडजस्ट हो पा रहा है मैं वैसे वैसे एडजस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं अपने बैग में क्या क्या लेके निकली हूँ घर से। सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया एक छोटा सा मिरर, और इसके बाद मैंने आपको एक मॉइस्चराइज़र दिखाया, लैक्मे लूमी क्रीम वाला, जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे आपको दिया ही है। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के स्पेक्स आपको दिखाई। इसके बाद मेरे बैग में था टिश्यू, इसके बाद है माई ग्लैम का सुपर सीरम बीबी क्रीम, और एक मास्क मैं रखती हूँ हमेशा, और मेरे पास होता है ये वाला मैजिक वाला लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक जो लाइट पिंक शेड देता है। लिपस्टिक मैंने लगाया था, लेकिन फिर मैंने अपने पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था तो मैंने अपने टिश्यू से ना पूरा लिप्स को अच्छे से लिप्स टिश्यू पेपर की हेल्प से मैंने पूरी लिपस्टिक को अच्छे से रिमूव कर दिया था। छोटे से लेकर बड़े वाले पेड़ पौधे यहाँ पर थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेचर की हवा, नेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको रिलैक्स फील करना है, आपको खुली हवा में जाना चाहते हो, तो आप ये क्या बोलते हैं इसको, हिमायत सागर पार्क में आप आ सकते हो। फिर यहाँ पर फिर मेरा मूड बना कि बैठे बैठे मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर आपको अपनी जूती दिखाई, फिर इसके बाद मैंने अपनी स्पेक्स आपको दिखाई, इसके बाद मैंने अपना पर्स आपको दिखाया, इसके बाद मैं आ गई कैमरे के सामने। तो बैठे बैठे मैं ऐसे ही कुछ तो काम करती रहती हूँ। इसके बाद हम लोग घर से एक ट्राईपॉड लेके आए थे छोटा वाला, और खाने के लिए कुछ घर से लेके आए थे चीज़ें, क्योंकि हिमायत सागर पार्क में आपको ना ही कैंटीन मिलेगी और ना ही कुछ खाने के लिए मिलेगा, ना ही कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के अलावा, वो भी आपको ग्लास में पीने के लिए पानी देते हैं, बॉटल्स आपको भरने वो नहीं देते हैं, आपको घर से ही बहुत सारा पानी और बहुत सारा खाना, बहुत सारे स्नैक्स लेके आना पड़ेगा, चाय कॉफ़ी ब्लैक टी जो भी, ग्रीन टी जो भी आप पीते हो, वो सब कुछ आपको साथ में ही लाना पड़ेगा। बच्चे कुछ घर से स्नैक्स लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी खा लेती हूँ बैठे बैठे, पता नहीं मेरे हाथ चुप नहीं बैठ रहे थे, तो मैंने चलो अपने बच्चों का स्नैक्स लेके ही खाया। क्या था ये, कुछ चॉकलेट जैसा कुछ था, तो वो मैंने खा लिया। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे नहीं हो सकता, कहीं तो फिर टहल के आते, क्योंकि हमने अभी अभी खाना खाया था, तो हम निकल गए टहलने के लिए। अभी आप म्यूज़िक के साथ सारा व्यू एंजॉय करना, तो चलो मैं आपको म्यूज़िक के साथ ना सारा व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है हम लोग। और हाँ, घर से निकलना है ना तो जल्दी निकलो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ज़्यादा पब्लिक जमा हो जाएगी तो इतना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा फील नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं लगता, इसीलिए हमने सुबह सुबह जल्दी निकलने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन हमें यहाँ पहुँचने तक दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि हम बहुत 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 दूर से आए थे यहाँ पे, इसीलिए।
अच्छी जगह मिल गई है जहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तो नज़र आ रहा है, बट कोई नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है अभी। इतनी तेज़ धूप में फिर के हालत ख़राब हो गई थी, तो अपने ठिकाने पे बैठने के बाद मैंने सबको फेशियल वाइप्स दिए। गीले वाइप्स होते हैं, इसके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो बेबी वाइप्स थे मेरे पास। मैं बेबी वाइप्स ही यूज़ करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो साथ में रख के ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि अगर जब हम हाथ नहीं धो सकते, मुँह नहीं धो सकते, तो ये वाले वाइप्स हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जितना भी डस्ट या फिर क्या बोलते हैं पॉल्यूशन होता है, सब कुछ निकाल देता है। तो मैंने सबको एक एक दिया, फिर मैं भी इससे ही अपने फेस को क्लीन करने लगी। इसको ना साथ में रख के फिरने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो कितना ज़्यादा डस्ट निकला मेरे फेस से, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गर्मियों का मौसम है तो छुट्टियाँ भी गर्मी के मौसम में ही मिलती हैं, तो इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने अपने हाथों को भी क्लीन कर लिया। कहीं पर भी आप जाओ, मैं आपको कुछ नहीं तो ना सही, मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स तो साथ में रख के आई थी, लेकिन उनको मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाया था। मैंने सोचा कि क्या पता ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन नहीं हो सकता, इतनी धूप में हम कुछ भी लगा नहीं सकते। तो नेक्स्ट टाइम मैं कहीं पे भी जाऊंगी तो ऐसे कुछ साथ में रख के नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन हाँ वाइप्स, फेशियल वाइप्स ज़रूर अपने साथ रख के जाऊंगी, और सनग्लासेस ज़रूर रख के जाऊंगी। अगर आपको कहीं जाना हो धूप के टाइम पे, अगर आपको कहीं जाना हो, घूमने के लिए जाना हो, तो फेशियल वाइप्स और सनग्लासेस ज़रूर अपने साथ रखिएगा, उनकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सन टैन होने वाला है। तो 4 से 5 घंटा हुआ है हमें आके, यहाँ पर कोई झूले वगैरह तो नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन हाँ पार्क जैसा कुछ है। बोल रहे हैं कि झूले कुछ टाइम बाद आने वाले हैं, तो कब तक आएंगे आई डोंट नो। तो चलो चलते हैं अपने आशियाने में, अपने घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय गाइस, बाय बाय।
पैसे कल दे तो चलेगा क्या? पैसा कल दे तो चलेगा? कल दो तो चलेगा क्या?